Hello friends, welcome back to the part 2 of the normal newborn conditions. I am Dr. Jasleen Arora, consultant neonatologist and pediatrician at Amandeep Medicity Hospital, Amritsar. So friends, in my part 2, we will be discussing about the common newborn problems that we face. So the most common newborn problem that we see is jaundice, pelia. पीलिया ऑलमोस्ट 80% ऑफ प्रीटर्म बेबीज जो 37 वीक से पहले हुए हैं उनको और 60% ऑफ द टर्म बेबीज को ये प्रॉब्लम होती है. तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है? दिस प्रॉब्लम जनरली अकर्स बिकॉज द किड लिवर ऑफ द बेबीज इज इमेच्योर. जो हमारा जिगर होता है दैट इज कमज़ोर, जिसे कहते हैं इन लेमैन लैंग्वेज इफ यू टॉक, तो वो आपका बिलिरुबिन लोड हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जॉन्डिस बढ़ जाता है. पर सारे बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स. ओनली 5-10% ऑफ द बेबीज रिक्वायर द ट्रीटमेंट फॉर जॉन्डिस. जॉन्डिस इज डेफिनेटली रिस्की. अगर जॉन्डिस का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से, जिसे हम डेंजरस लेवल कहते हैं, उससे बढ़ जाए तो आपके बेबी का ब्रेन डैमेज कर सकता है जॉन्डिस, या आपके बच्चे की हियरिंग डैमेज कर सकता है. एंड दैट इज़ नॉट टेम्प्ररी फ्रेंड्स, इट कैन बी परमानेंट. सो जॉन्डिस इज डेफिनेटली अ क्रिटिकल प्रॉब्लम इन द न्यूबॉर्न पीरियड. जॉन्डिस जो होता है, कुछ बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जॉन्डिस बढ़ेगा. जैसे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या बी है, या बच्चे को कोई और कंजेनिटल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या आपके बच्चे को G6PD डेफिशिएंसी हो सकती है, या बच्चे को कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि क्रिगलर नाजर, गैलेक्टोसीमिया, आपका प्रॉब्लम्स जो है, इस वजह से बच्चे का लेवल काफ़ी हाई हो सकता है एंड इट कैन डैमेज द ब्रेन. देर सम अदर कंडीशन जिसमें बच्चे का जॉन्डिस बढ़ सकता है, जिसमें ब्रेन में आपके कैफल हेमटोमा होता है, स्कैल्प में कई बार बच्चे की ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ बच्चों में प्रीमेच्योरिटी के करके लेवल बढ़ जाता है, कुछ बच्चों की हिस्ट्री होती है जैसे फैमिली हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, कि अगर पहले बच्चे को, बड़े बच्चे को जॉन्डिस का ट्रीटमेंट दिया गया था तो वेरी हाई चांसेस दैट दिस बेबी मे ऑल्सो हैव हाई जॉन्डिस एंड रिक्वायर ट्रीटमेंट. अदर रिस्क फैक्टर कम्स इफ द बेबी इज नॉट फीडिंग प्रॉपरली एंड देयर इज एक्सेसिव वेट लॉस. द इन ऑल दिस केसेस द जॉन्डिस लेवल कैन राइज टू योर डेंजरस लेवल एंड मे रिक्वायर ट्रीटमेंट. अदर रिस्क फैक्टर विच वी कैन सी अ डेंजर साइन वी कैन सी इन द बेबी इज क्ले कलर्ड स्टूल्स, मतलब मिट्टी के जैसे पेल कलर के स्टूल्स आते हैं. Then also your baby may be at the risk of having a severe significant underlying problem which can lead to jaundice requiring treatment. Other than that parents, you are supposed to be worried agar aapke bacche ka pilia ka level 15 se upar rehta hai ya aapke bacche ka jaundice jo hai 14 din ke baad bhi kafi significant rehta hai ya aapke bacche ki hatheliyan ya talve jo hai deep yellow hai. So friends, in all these cases you need to come to the doctor, get the level tested, and your doctor may suggest the treatment for the baby as required by phototherapy or by extreme transfusion. Prevention ke liye aap antenatally mother ka blood group check karayein. Agar mother ka blood group negative aa raha hai to aapki gynecologist will suggest mother ke liye anti-D injection which you should take, which is very safe for you also and the baby also. अदर देन दैट, जैसे ही आपका बेबी बॉर्न होता है, देर आर सम टेस्ट विच आर टू बी टेकन, लाइक द ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी, थायराइड प्रोफाइल, योर G6PD टेस्टिंग एंड योर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग विच कैन बी डन टू रूल आउट एनी मेजर अनवांटेड इंसिडेंट्स दैट कैन हैपन. अदर देन दैट, अगर आपका बच्चा को कैफल हेमेटोमा हुआ है, या आपके पहले बच्चे को जॉन्डिस था, या आपके बच्चे को कोई और प्रॉब्लम लग रही है, आपको बच्चा सुस्त लग रहा है, तो आप इमिजिएटली डॉक्टर के पास जाएँ. डोंट कीप ऑन वेटिंग, शायद ठीक हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा. ट्रीट एंड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर द जॉन्डिस राइजेस टू अ डेंजरस लेवल. अदर देन दैट, देर आर सम अदर कॉमन कंडीशन विच वी कैन सी इन न्यूबॉर्न्स एंड विच जनरली डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट. वन ऑफ देम इज नियोनेटल एक्ने. छोटे छोटे से पस वाले दाने बच्चे के फेस पे हो सकते हैं विच आर कॉल्ड नियोनेटल एक्ने. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर innocuous, they don't cause any problem to the baby and generally they settle down by the first 40 to 50 days of the baby. But to be sure ki ye neonatal acne hi hai, kuch aur nahi hai, consult your doctor. Other than that, hum chote chote se white dane dekhte hain bacche ke nose pe.
तो समटाइम्स वी गेट वरीड कि क्या है ये छोटे छोटे से दाने बच्चे के नोज पे क्यों हैं. तो दीज आर कॉल्ड मीलिया माई फ्रेंड्स. दिस इज ऑल्सो टोटली हार्मलेस एंड दे सबसाइड ऑन देयर ओन वेन द बेबी इज ऑलमोस्ट बाय अ मंथ और सो ओल्ड. अदर देन दैट देर आर सम रेड रेड मार्क्स दैट वी सी ईदर ऑन द फोरहेड और जस्ट अबव द आई लैशेज और द नेप ऑफ नेक. बिल्कुल फ्लैट से रेड रेड से पैचेज रहते हैं. दीज आर कॉल्ड पोर्ट वाइन स्टेन्स और एंजल किसेस. जनरली फ्रेंड दीज आर नॉट टू बी वरीड अबाउट एंड दे सबसाइड ऑन देयर ओन. द वरीड पॉइंट इज हिमेंजियोमा. हिमेंजियोमा इज एबनॉर्मल वैसल्स जो बन जाते हैं कई बारी जो रेड रेड से उभरे हुए बच्चे के ऊपर होते हैं. दिस कैन कॉज इन्फेक्शन एंड कैन बी प्रॉब्लमैटिक टू द किड्स. इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए एंड इट कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली. अदर देन दैट अनदर कॉमन न्यूबॉर्न स्किन कंडीशन दैट वी सी इज एरिथमा टॉक्सिकम. इसमें बच्चे के ऊपर छोटे छोटे से रेड दाने रहते हैं जो बीच में से वाइट होते हैं और आस पास रेड होते हैं. जनरली दे आर ऑल्सो हार्मलेस एंड दे डोंट कॉज एनी प्रॉब्लम टू द बेबी. इन दैट केस स्टिल कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन टू बी श्योर एंड जस्ट वेट एंड वॉच एंड दीज थिंग्स विल गो ऑन देयर ओन. सो फ्रेंड दीज आर द कॉमन न्यूबॉर्न कंडीशन जिसके बारे में आपने वरी नहीं करना. तो वरी कब करना है हमने, लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो. उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है बच्चे का यूरिन ना पास करना. अगर आपका बच्चा 8 से 12 घंटे हो गए हैं और बच्चे ने यूरिन नहीं पास किया, दैट इज़ वन डेंजर साइन जिसको आपने ध्यान रखना है. अगर आपका बच्चा अच्छे से दूध नहीं ले रहा है या जितनी विग्रसली पहले बच्चा दूध लेता था वैसे नहीं ले रहा, तो यू शुड बी वारिड. देन कमिंग टू द आइस, अगर आपके बच्चे से पानी निकलता जा रहा है इट्स नॉट स्टॉपिंग या पुरलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डेंजर साइन इन अ बेबी. यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. उसके अलावा आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई स्वेलिंग आ रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड से पानी या स्टूल पास हो रहा है, या अम्बिलिकल कॉर्ड में छोटा सा रेड सा दाना बन रहा है, दैट इज अ साइन दैट यू शुड बी वरीड अबाउट. इसका मतलब बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड वाले लेवल पे कहीं प्रॉब्लम है. अदर देन दैट वी कम टू द स्क्रॉटम. अगर स्क्रॉटम में कहीं स्वेलिंग है या स्क्रॉटम के जस्ट ऊपर जो है आपकी स्वेलिंग दिख रही है, तो इट कुड बी अ साइन दैट इट कुड बी हर्निया इन द बेबी, जिसके लिए आप इमिजिएटली अपने पीडियाट्रिक सर्जन से या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है आपके बच्चे के पैर टेढ़े हैं या बच्चे के पैर जो है ऊपर नहीं लग रहे हैं बच्चे की लेग के साथ, तो दैट कुड बी एन इंडिकेटिव कि आपके बच्चे को क्लब फुट है. That also you need to see the doctor. आप उसके अलावा बच्चे की पीठ अच्छे से चेक कीजिए. अगर आपको लगता है कि बच्चे की पीठ पे कोई फोड़ा है, जनरली तो ये मिस नहीं होता, बाई चांस इफ इट इज़ मिस्ड ऑल्सो, अगर आपके बच्चे की पीठ पे कोई फोड़ा लगता है या इससे पानी सिम रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिले. तो विद दिस आई एंड माई डिस्कशन बाई टेलिंग यू वॉट आर द थिंग्स विच यू नीड नॉट वरी अबाउट एंड विच आर द थिंग्स यू नीड टू रियली वरी अबाउट एंड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन. Thank you, friends. See you soon. Thank you.